अल्लाह गाइज आई होप यूल वेलकम बैक टू माईट्यूब चैनल एंड वेरी वॉम वेलकमर लर्नर टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर ऑफ इंग्लिश लर्निंग कोर्स इंग्लिश लर्निंग कोर्स की प्ले लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है अगर आपसे गलती से कोई भी लेक्चर स्किप हो गया है तो आप वहाँ जाकर वो लेक्चर ले सकते हैं अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे

इट रिक्वायर्स हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज टू कन्वे इट्स मीनिंग अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज की हेल्प लेनी पड़ती है ये सेंटेंस के सेकंड पोर्शन में प्रेजेंट होता है यानी कि ये हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद आता है इट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ऑन एज अ कम्प्लीट सन्टेंस बिकॉज विदाउट इंडिपेंडेंट क्लॉज इट कैडिज नो मीनिंग इस टाइप के क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों प्रेजेंट होते हैं मगर इन्हें डिपेंडेंट क्लॉज इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये दूसरे क्लॉजिज पर डिपेंडेंट होते हैं ताकि कोई भी इन्फॉमेशन कन्वे कर सकें जैसा कि वर्ड डिपेंडेंट क्लोज से ही डिपिक्ट किया जा सकता है कि ये डिपेंडेंट होते हैं दूसरे क्लोजिज पर इनका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता और ये सेंटेंस में सिर्फ सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं इस टाइप के क्लोजिज की अपनी कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती नाउ मूविंग टू वर्ड्स द एग्जाम्पल ऑफ डिपेंडेंट क्लोज द फर्स्ट वन इज आई एम इल सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल टूडे इस एग्जाम्पल में टू क्लोजिज प्रेजेंट हैं द फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट क्लोज एंड द सेकेंड वन इज डिपेंडेंट क्लोज सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में कहा गया है आई एम इल मैं बीमार हूँ ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है द सेकेंड पार्ट इज सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल टूडे अब इस सेंटेंस के सेकंड पार्ट में डिपेंडेंट क्लोज़ पाया जा रहा है क्योंकि ये डिपेंड करता है फ़र्स्ट सिचुएशन पर सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल टुडे का मतलब है कि मैं आज स्कूल नहीं आ सकता अब क्यों नहीं आ सकता क्योंकि वो बीमार है इसके लिए ज़रूरी है कि फर्स्ट स्टेटमेंट इसके साथ अटैच की जाए लॉजिकल रीजनिंग या सॉलिड कॉनोटेशन के बगैर सेंटेंस की एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं होती अगर मैं किसी से कहूँ इसी वजह से मैं स्कूल नहीं आ सकती तो मुझे रीज़न बतानी पड़ेगी कि मैं स्कूल क्यों नहीं आ सकती द नेक्स्ट वन इज़ आई विल नॉट गो अनलेस यू से मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक तुम नहीं कहते थे अब इस सेंटेंस में भी टू क्लोजेज प्रेजेंट है द फर्स्ट वन इज आई विल नॉट गो मैं नहीं जाऊंगा ये कंप्लीट सेंस कन्वे कर रहा है द नेक्स्ट वन इज अनलेस यू से जब तक तुम नहीं कह देते इस सेंटेंस में अनलेस यू से एक डिपेंडेंट क्लोज है इस सेंटेंस के सेकंड पार्ट में आ रहा है अनलेस यू से जब तक तुम नहीं कह देते अब उस शख्स ने क्या कहना है उस शख्स की बात को अंडरस्टैंड करने के लिए और सेंटेंस की सिचुएशन को अच्छे से टैकल करने के लिए हमें इनडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़ेगी सो आई होप डिपेंडेंट क्लॉज की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडिपेंडेंट क्लॉज जैसे कि इसके नेम से ही पता चल रहा है कि ये इंडिपेंडेंट है यानी कि फ्री क्लॉज है इट कैन स्टैंड बाई इट सेल्फ एज अम्पलीट और सिंपल सेंटेंस इस टाइप के क्लॉजेस की एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होती है ऐसे क्लोजेस कम्पलीट और सिंपल सेंटेंसिस को रिप्रेजेंट करते हैं इट कंसिस्ट ऑफ अब्जेक्ट एंड अडिकेट सब्जेक्ट को हम ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं इसी कोर्स के प्रीवियस लेक्चर में हमने सब्जेक्ट को एज एलिमेंट ऑफ सेंटेंस डिस्कस किया है उस वीडियो लेक्चर का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी पोर्शन बचता है उसको प्रेडिकेट कहा जाता है प्रेडिकेट में वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं इट कैन कन्वे अ कम्पलीट सेंस जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ये एक सेंटेंस के तौर पर एग्जिस्ट कर सकता है इनकम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर ये सेंटेंस स्ट्रक्चर की ही एक टाइप है इंडिपेंडेंट क्लॉज इज प्लेस्ड एट द फर्स्ट पोजीशन इंडिपेंडेंट क्लॉज को सबसे पहले रखा जाता है सेंटेंस में इसके बाद कंजंक्शन आता है जिसको हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और सेंटेंस की मेन इवेंट्स की डिटेल को डिस्क्राइब करने के लिए लास्ट पर डिपेंडेंट क्लॉज आता है सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर में सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉज को यूज किया जाता है फॉर एग्जाम्पल आई एम इल मैं बीमार हूँ इस सेंटेंस में सिंपल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज किया गया है इंडिपेंडेंट क्लॉज फ्री होता है इसको जरूरत नहीं होती कि कोई दूसरा क्लॉज आकर इसको डिफाइन करें सिमिलरली हम जितने भी सिंपल सेंटेंसेस पढ़ते हैं उसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉज पाया जाता है सेकेंड पोर्शन इज द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर

आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें दे ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे इंग्लिश लर्निंग कोर्स की प्ले को जरूर विजिट करें उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे लेक्चर्स शेयर किए गए हैं इफ़ यू वॉन्ट टू गिव एनी सजेशन दैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन In the next lecture we will discuss the types of sentences on the basis of their structure the last word that i want to say is keep practicing every day inshallah we will meet in the next lecture bahut zyada duaon mein allah hafiz